रोहतास जिला के डेहरी डालमिया नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का भाग दौड़ शुरू है। सभी प्रत्याशी मतदाताओं की गोलबंद करने में लगे हुए हैं। 18 दिसंबर के चुनाव होना है, दो दिनों के बाद 16 दिसंबर को शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, यानी आज बंद हो जाएगा। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चौक चौराहे पर इस चुनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गया है। सभी प्रत्याशी मतदाताओं को अपने अपने चुनाव सिंबल को लेकर मतदाताओं के पास जा रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब तो चुनाव बाद ही पता चलेगा कौन कौन लोग जीत रहे हैं। वार्ड में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गली गली में सफाई, रोड की सफाई, कचरा का ढेर पूरे शहर में लगा हुआ है। चेयरमैन के प्रत्याशी आरती कुमारी पूरे तामझाम से शहर में जुलूस के साथ घूम रही हैं। पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरी प्राथमिकता शहर की सफाई, रोड की सफाई, लाइब्रेरी की व्यवस्था मेरी प्राथमिकता में रहेगा। और मैं डेहरी डालमिया नगर के सभी जनता से अपील करती हूँ कि आप लोग अपना बहुमूल्य वोट दें और हमारे हाथों को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। आपके विकास का मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा विकास तो हम चाहेंगे कि अगर हमें हमारी जनता हमें वोट देती है और जिताती है तो डेहरी के सभी नगर वासियों से मैं संवाद करूंगी और विकास की बातें कर रहे हैं तो विकास में सबसे पहले मैं यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के लिए डिजिटल शौचालय का निर्माण करूँगी। दूसरी बात है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जहाँ डेहरी डालमिया नगर में कोई स्टेडियम नहीं है, यहाँ स्टेडियम का निर्माण करूँगी। और अभी अब हम भ्रमण कर रहे हैं, इस दौरान देख रहे हैं कि थोड़ा सा ही बारिश होता है तो नाली का पानी ओवरफ्लो हो जाता है। अगर इसको मास्टर प्लानिंग के दौरान किया जाता तो एक तरफ सोन है, एक तरफ नहर है, इसको इसी ढंग से आदमी कर सकता था। सरकार का 7 निश्चय जो योजना है अभी धरातल पर जो आया है, उसमें कौन से काम ऐसा है जो कि आप मन करा पाएंगे? सरकार का जो योजना है हर घर नल जल और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी योजनाएँ हैं और जो कि सार्थक भी हुआ है। पहले लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, पढ़ाई में पीछे निकलती थी, लेकिन आज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।